हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल पर डेली में 20 या फिर 25 जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर एक साथ 100 या फिर 150 जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 100-150 जीमेल आईडी बनाने का जो प्रोसेस है वो जीमेल आईडी किसी काम का नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो जीमेल आईडी आपका काम का होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर डेली में 20 या फिर 25 जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप न करके एंड तक बने रहना। इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, तो दोस्तों जीमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर आपको सुपर वीपीएन लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह की एक एप्लीकेशन शो होगा, तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, मैं पहले उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर ऐड शो होता है तो आपको उस ऐड को स्किप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वीपीएन कनेक्टेड हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर में जो 3 लाइन दिखाई देगा, उस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा साइन इन, तो आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे जीमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। तो आपको कैसे अपने जीमेल आईडी को क्रिएट करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई देगा एड अनदर अकाउंट, तो आपको यहाँ पर एड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी फिंगरप्रिंट देने के लिए मांगेगा, तो आपको अपनी फिंगरप्रिंट देना है। फिंगरप्रिंट देने के बाद यहाँ पर इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को टाइपिंग करना है, तो मैं एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइपिंग कर देता हूँ। टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक रेंडमली डेट ऑफ बर्थ को टाइपिंग करना है, तो मैं एक डेट ऑफ बर्थ को टाइपिंग कर देता हूँ। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, तो अगर आप मेल है तो मेल दे सकते हो और फीमेल हो तो फीमेल भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर दीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप कोई भी एक जीमेल को सिलेक्ट कर दीजिए, तो मैं एक जीमेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक पासवर्ड को टाइपिंग करना है, तो मैं एक पासवर्ड को यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ। और पासवर्ड को टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यस आई एम इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जीमेल आईडी बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपने मोबाइल पर डेली में 20 या फिर 25 जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।